Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. आज दे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दो तीन गंभीर विषय ने कैप्टन साहब दी एक इंटरव्यू आई है किसी प्राइवेट चैनल ते वेब चैनल ते उधर जो उन्होंने कहा है कि मैनू पाकिस्तान चो फोन आंदे सी कि सिद्धू साहब नू कैबिनेट दे विच रखा जावे और कैप्टन साहब खुद हर गल ते कहंदे रहंदे ने बॉर्डर स्टेट है ड्रोन आंदे ने टिफिन बम मिलदे ने इत्थे कोई इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए मजबूत सरकार चाहिए है तो कैप्टन साहब ने यह गल इन्ना चिर लुको के क्यों रखी ते ऑलमोस्ट कैप्टन साहब ने उन्होंने गल मान भी ली सी क्योंकि बिजली मंत्रालय उन्होंने ऑफर करता सी इहदा मतलब पाकिस्तान के कहते कैप्टन साहब पंजाब की कैबिनेट मिनिस्ट्री दिंदे सी कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं कली कैप्टन साहब शायद यह कहना भुल गए डीजीपी भी पाकिस्तान के कहते लाया सी चीफ सैकटरी भी पाकिस्तान के कहते पाकिस्तान तो घरे रहिंदा सी कंधे परले पास का पाकिस्तान सी इन्होंने तो ये किड़े मुंह ने कह रहे ने हुण के असी सिर्फ मैं ही हाँ जिहड़ा वह बचा सकदा सूबे नूं यह पंजाब के माहौल नूं खराब करन दी कोशिशां कर रहे ने होर इन्हां नूं कुछ बचिया नहीं ਇਹ ਹੁਣ ਬਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਚੀਕੂ ਤੇ ਸੀਤਾ ਫਲ ਕਿਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਚੀਕੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੀਤਾ ਫਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ IAS ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਸੀ ਉਸ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਨਾ ਕੈਸੇ ਉਹ ਸੀਤਾ ਫਲ ਕੈਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ तो तुसी कह रहे हो मेरे बारे कैप्टन साहब कह रहे ने कमेडियन की लोड़ नहीं हैगी पंजाब नूं तकड़ा सीएम चाहिए कैप्टन साहब का आपका भाषण है संगरूर केवल ढिलों के कागज जदों कराउण गए सी कहिंदे वी बहुत तकड़ा उम्मीदवार है इत्थे भगवंत मान मैनूं बार बार आना पऊ उदों मैं तकड़ा सी कैप्टन साहब तुसीं तां गए नहीं खैर तुहाडा रिकॉर्ड नहीं हैगा उत्थे जाण दा तुसीं संविधानक संस्थावां दा पता नहीं सन्मान नहीं करदे कैप्टन साहब की सब तो वर्स्ट हाजरी सी MP तौर पर 6% पूरे देश चो सब तो घट जांदे ही नहीं सी उत्थे जे जांदे नहीं सी तां कोई गल नहीं तुसीं जिहनूं कमेडियन कहिंदे हो इह पंजाब दे विच कैंसर दे मुद्दे उठा रहा सी ये पंजाब दे किसानां दी खुदकुशियां दे मुद्दे उठा रहा सी ये पंजाब दे पानी दी चिंता कर रहा सी जिहड़ा थल्ले जा रहा 200 फुट ते 500 फुट ते चला गया जिहनूं तुसीं कमेडियन कहिंदे हो ओह उत्थे पंजाब दे धरनियां दी लाठीचार्जां दी गल कर रहे सी बस इहनां तों आम घरां दा मुंडा जरिया नहीं जांदा बस कि असीं वी बणदे हुंदे आ होर क्यों आ गया कैप्टन साहब पब्लिक है लोग है तुसी लोगों ने जो धोखा किया उहदा थोनू फल जरूर मिलेगा मिल भी रहा है 4.5 साल तुसी बैठे रहे हुण तुसी कहने हो हैलीकाप्टर ते जदों मैं जा रहा सी मैं थले ट्रक देखे जदों मैं उतरिया फिर मैं क्या अफसरां ने की दे ने कहिंदे उह चन्नी दा नां सी कहिंदे फिर मैं सोनिया गांधी ने मैनूं पुछिया कि ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਛਵੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਗਲਾ
बहुत मशहूर शेर है, सरहद पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या, तनाव तो चुनाव इकट्ठे चलाने। असं तुम्हें पहले भी कहते रहे कि बहुत सारिया इस तरह दटनावान हो जिमें पटियाले हुई घटना, पहला दरबार साहब का अमृतसर साहब विखे जंगला टप्पण की कोशिश की गई, हूँ पटियाले काली माता के मंदिर के कोशिश की गई। इन्हें मास्टर माइंड कौन ने? मास्टर माइंड कोई होर ने, भेजे गए बंदे होर ने। जे कि 2015 के बरगाड़ी वाली घटना से सख्त कार्रवाई होंगी, मास्टर माइंड अंदर होंगे, मिसाली सजा होंगी, फिर यह जी हिम्मत नहीं पैनी सी कि दोबारा कोई किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी कर दे। निंदा करदे सख्त शब्दों के अमन अमान रहना चाहिए सूबे च, और अमन अमान तां रहूगा जे मजबूत सरकार आऊगी। तीजा कल नवजोत सिंह सिद्धू पत्रकार सामने बैठे से, उन्होंने इशू ही होर ने, हूँ वो कहते भी फोन घट आए ने दसे वध ने, भाई तुसी कांग्रेस तो करा लो आपदा, तुसी अपना करा लो सर्वे। मार्गेट अलवा का बेटे बेटे ने एक खास ने राहुल गांधी ट्विटर से एक पोलिंग करवाई, 1209 वोटा पईआं, उह चों भी कहिंदे 70% चन्नी है। वह भाई साढ़े आले च लखां वोटा पईआं ने, पहली बार लोगों इनवॉल्व किया कि अपने सीएम के चेहरे वास्ते रायशुमारी कर देन। एक कोई इलेक्शन कमीशन का कानून है कि जे किसी ने फोन देना तो इन्ने फोन होने जरूरी ने, नहीं तो फिर तुम सीएम डिकलेयर नहीं कर सकते। कल का दिन नवजोत सिद्धू मैनू लगे भी वो होर कोई विशा है नहीं सी, चलो कहते भगवंत मान से बोल लें, अच वो अपने आप को डिकलेयर करा लैन। पहला उही कहंदे सी इन्हां दा कौन है, और जिस तरह की लैंग्वेज वरती जा रही है ना, ओए ओ फलानिया ओ तू पत्रकारां नूं भी तू तू करेगा तू करेगा, कम ऑन यार, सारे रिस्पैक्ट पालदे आ, इज्जत करवानी है तां इज्जत करनी सिखो। सो तू तड़ाक वाली जिहड़ी शब्दावली है वह भी गलत है। और सिद्धू साहब राहुल गांधी नू, प्रियंका जी नू, जा सोनिया जी नू कह के आपदा सर्वे आप करा आपकी पार्टी वालों, साड़ी पार्टी के इंटरनल मामलों में दखल ना देन। थोड़ा सवाल हो गया कोई कमेंट? देखो जे कानूनी तौर पर इस वक्त एंटीसपेटरी रद्द होगी तो फिर कानूनी तौर पर तो उन्होंने जो कानूनी कार्रवाई वो मुताबिक तो गिरफ्तार करना बनता है। बाकी हूँ कि इंटेलीजेंसियां या पंजाब की सरकार जी इन सीरीयस लेंदी है उन्होंने। कांग्रेस पार्टी फायदा होगा जेकर विक्रम मजीठिया की कांग्रेस पार्टी नूं मजीठिए दे गिरफ्तार होण नाल फायदा कादा फायदा होना है? वह तो आप इनवॉल्व ने, आप तो कहा चन्नी साहब ने कि कैप्टन साहब ने बादलों नाल मिलके केस खराब करता, ठीक है ना। सो आप तो कहा कि नकली शराब दियां फैक्ट्रियां जिहड़ियां ने पटियाले वाले पासे चल दियां ने, और जिस वेले जिस दिन वह कैप्टन साहब रेता चैक करते सी ना हैलीकाप्टर चो उहदे कित्थे जांदे सी उहनां नूं नहीं पता, कहिंदे मैं उधर नूं कितें जा रहा सी। मैं याद करा दिंदा जिहड़ा 150 बंदा जहरीली शराब पी के मर गया सी ना खड़ूर साहब हल्के च, उत्थे जा रहे सी ते नाम कि लग रहा सी उहनां दे एमएलए दा, हद है किवें भुल जांदे ने, मैनूं हैरानी है।
ਮੈਂ ਗਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਨਸਾ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਨੇ ਬਸ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਤੇ ਘਰੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 7748 7748 ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾ ਮਾਨਯ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਵੋ ਅਭੀ ਹਮਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹਮਸੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਹਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਯਹਾਂ ਸੇ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਲਗੇਗਾ, ਉਸਮੇ ਨਾ ਤੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਮੇ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਟੈਕਸ ਕਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕ ਕਰ, ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਟੈਕਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ, ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ, ਸੜਕੋਂ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਵਾਪਸ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਯਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਟੈਕਸ ਲੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੋ ਲੋਗੋਂ ਪਰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਹਮ ਰੱਖ ਦੇਂਗੇ ਈਸੀ ਨੇ ਅਗਰ ਮੰਗ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਵਾਕੜ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਤਰਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦਵਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜੂ ਫੇਰ